ग्वालियर डबरा अनुभाग के ऐती गांव में मर्म से रेत बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बड़े बड़े संसाधन मशीनरी से मर्म को खोदा जाता है और फिर मशीनों के द्वारा रेत में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें काफी मात्रा में पानी का भी उपयोग किया जाता है। हजारों टन रेत बनाई जा रही है। यह काम जहाँ चल रहा है वहाँ किसान भोला ठाकुर की जमीन भी है, जिसमें क्रेशर से निकलने वाले मलबा से किसान की कृषि भूमि खराब हो रही है। किसान कई बार संचालक से बात कर चुका है, लेकिन संचालक बड़े रसूख के चलते अनदेखा कर रहा है। किसान डबरा अनुभाग के अधिकारियों के साथ साथ गिजौरा पुलिस के साथ भी मदद की गुहार लगा चुका है, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदों के पास इतना टाइम कहाँ है जो एक पीड़ित किसान को मदद दिला सके। पीड़ित किसान भी मदद के लिए कलेक्टर के पास पहुंचा और शिकायती आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। मेरे खेत के ऊपर उसने क्रेशर लगाया है, जो मुरम से पानी डालकर मुरम में पहाड़ी से मुरम निकालकर रेत बनाई जा रही है। तो उसका मलबा सारी गंदगी मेरे खेत में आ रही है, जिससे उपजाऊ भूमि है वो मेरी बंजर होती जा रही है। कितने समय से आप शिकायतें कर रहे हैं? क्या ये मैं डेढ़ साल पहले से शिकायत कर रहा हूँ। डेढ़ साल पहले भी मैंने इन लोगों को बोला था, तो वो बोल लेते हैं हाँ, लेकिन आगे दरअसल मानने के लिए तैयार नहीं है वो। प्रशासन का क्या रवैया दिखाया तुम्हें? प्रशासन का कुछ नहीं, तो बहुत दमंगी तरीके और उससे बात करता है। मतलब क्रेशर संचालक जो आरसी जैन एक जैन है ग्वालियर के, और उनके साथ और जो कोई भी लोग हों, सीमांकन करा लिया जाएगा। सीमांकन कराने के बाद अगर एरिया के बाहर काम किया जाएगा तो केस के उसकी शिकायत भी लग चुकी है कलेक्टर सर के यहाँ, लेकिन उसको कोई भी शिकायत अभी कार्रवाई नहीं हुई। जब रेवेन्यू तो एकदम से किसी भेजने पर नहीं पहुँचा जाता, पहले सीमांकन कराया जाएगा। सीमांकन करने के बाद ही बता पाएंगे कि एरिया के बाहर काम कर रहा है, एरिया के अंदर काम कर रहा है। ये एंटी में हमने एक एमसेंट के लिए कदम स्वीकृत करी है और सारी औपचारिक होने के बाद में वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है। इसको स्वीकृत किए आरसीदेन के नाम से है सदन। हाँ, एक जैन इनको स्वीकृत करिए और स्वीकृत करने के उपरांत वो अपना संचालित कर रही है। यदि कोई शिकायत है कि उसकी कृषि भूमि में कोई बर्डन वर्डन डाल रहा है, तो हम उसकी जांच कराते हैं। इसका सीमांकन हो चुका है खदान का। अच्छा, सीमांकन हो चुका है तो आपकी मतलब सही है? हाँ, हमारे उसमें सही है। ये अगर इनका जो शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी निजी जमीन में कोई एक्टिविटी डाल रहा है, तो वो हम उसकी जांच करा के उसको।